तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन पत्र, यानी इसमें बिहार के कई जिले में यहाँ पर कुछ बहाली आई है, जिसमें प्रत्येक जिला के यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि कौन से जिला में कितने पोस्ट आए हैं, और यहाँ पर पोस्ट का नाम है इनका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पोस्ट का नाम है पारा विधिक स्वयं सेवक चयन हेतु आवेदन के लिए आमंत्रित पत्र। यहाँ पर लिखा है यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो यहाँ पर ये वैकेंसी जो निकाली गई है सरकारी पद पर नहीं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे व्यक्ति, महिला या पुरुष, जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान के रुचि में रखते हैं, उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, उनमें से शिक्षक, सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र और सरकारी संगठन के क्लब के सदस्य एवं सेवा समूह, मैत्री समूह के जीविका आदि के स्वयं एवं अन्य व्यक्ति जो स्वयं सेवा में उचित रुचि रखते हैं, तो उन्हें, जिन्हें विधिक सेवा पदाधिकारी का ठीक समझे, पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक यानी कि अधिवक्ता को छोड़कर भी पुनः आवेदन दे सकते हैं। इसमें आवेदन कौन कौन दे सकते हैं यहाँ पर बताया गया था। या फिर पारा विधिक स्वयं सेवक के लिए कार्य क्या होगा, तो यहाँ पर उनका बताया गया है कि उसके लिए यहाँ पर क्या क्या उनको काम करना होगा। तो काम के लिए यहाँ पर आप रीड कर लेंगे, ये वाला पूरा रीड आपको करना होगा इसके लिए। और यहाँ पर लिखा है पदों की संख्या कितनी होगी, पद की संख्या यहाँ पर टोटल यहाँ पर 150 है, जिसमें से 100 बेतिया के एवं 50 बघा का है, यानी कि यहाँ पर पश्चिमी चंपारण का ये जिला का यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर लिखा है चूँकि पारा विधिक सेवकों को पंचायत या पंचायतों के समूह में कार्य लेना, इसलिए जिला के सभी क्षेत्रों के पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन प्रत्येक प्रखंड के क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर आरक्षण की बात किया जाए तो यहाँ पर आरक्षण का बात यहाँ पर दिया गया है कि आरक्षण इसमें क्या क्या होने वाला है, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए मिनिमम, यहाँ पर मैट्रिक पास अधिक से अधिक होंगे तो आप यहाँ पर जमा आवेदन दे सकते हैं, ये लेकिन यहाँ पर कम से कम आपका मैट्रिक पास होंगे तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मान्यदेय यानी कि पारा विधिक स्वयं सेवक हेतु किसी परिश्रमिक या वेतन देय नहीं है। इसमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि इसमें वेतन कितना मिलेगा, लेकिन हाँ इसमें जरूर ये बताया गया कि वेतन नहीं है, परंतु यहाँ पर मंथली यहाँ पर 500 रुपया प्रतिदिन की दर से मान्य देवर केवल उन विशेष दिनों के लिए दे होगा जिन जिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई भी शेष कार्य सौंपती है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको अगर जिस दिन पारा विधिक के माध्यम से जो काम आएगा, जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन के हिसाब से आपको 500 रुपये के हिसाब से प्रत्येक दिन दिया जाएगा। मान लीजिए आपको 10 दिन के लिए काम सौंपा गया है तो आपको 10 बजे 50 यानी कि 5000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर अनुदेश दिया गया है। साथ में यहाँ पर अनुदेश का कार्य क्या है, जैसे मतलब उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, सामाजिक सेवा में रुचि रखता हो, वो भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। साथ में यहाँ पर शर्तें व आवेदन प्रारूप दिया गया, वेबसाइट पर उपलब्ध इस तरह का लिफाफा पर पंचायत व ब्लॉक का नाम अंकित करना है और वहाँ पर जमा करना है। तो जमा करने के यहाँ पर डेट दिया गया है, यहाँ पर डेट दिया गया है कब तक इसको जमा करना है और कहाँ पर जमा करना है। तो जमा करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकार पश्चिमी चंपारण बेतिया SDR भवन व्यवहार न्यायालय बेतिया के परिसर के कार्यालय में हाथों हाथ दिनांक 10/5/2022 तक इसे जमा करना है। अगर आप कौन से जिला से हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप सभी जिलों के लिए। जो जो जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिला का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको उस जिले का मैं वैकेंसी लेकर आने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर बेतिया जिला का बताया गया है कि यहाँ पर बेतिया जिला का यहाँ पर है, यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले का यहाँ पर है जो बेतिया का जो यहाँ पर दिया गया है। और आप जो भी जिले से हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए अब फॉर्म जो भरना होगा, फॉर्म कौन सी फॉर्म भरना होगा, देखिए फॉर्म भरने के लिए वाला फॉर्म है जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी चंपारण बेतिया आवेदन पत्र यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगा लेना है और यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है। चलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पर नाम डालेंगे, यहाँ पर पिताजी का नाम, और यहाँ पर एड्रेस पूरा लिख लेंगे अपना पिन कोड के साथ में, यहाँ पत्राचार का यहाँ पर एड्रेस पूरा लिख लेंगे, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता डालेंगे और यहाँ पर अन्य जो क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन होगा। और यहाँ पर आपको जन्मतिथि डाल लेना है जो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर जन्मतिथि डालेंगे। आवेदन की श्रेणी यहाँ से चूज कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी से है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ग्राम पंचायत या नगर का नाम, यहाँ पर ग्राम पंचायत होने की स्थिति में सीमा से लगे 3 ग्राम पंचायतों का नाम, यहाँ पर 3 गो गाँव का बगल का नाम यहाँ पर लिख लेना है।
इसके बाद यहाँ पर थाना का नाम लिखना है, इसके बाद ब्लॉक का नाम, इसके बाद अनुमंडल का नाम, यहाँ पर तिथि लिखें और स्थान लिखें कहाँ से अप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर। इसके बाद नीचे आएंगे, ये वाला यहाँ पर लिखा गया है कि सरकारी पद का नियुक्ति नहीं है, यहाँ पर फिर से आपको बताया गया है, यहाँ पर सभी डिटेल उसी तरह से फिलअप करेंगे, इसको भी और इसको भी फिलअप करने के बाद उसी तरह से यहाँ पर फिलअप करना है, यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक कार्यालय से, यहाँ पर आपको जब जमा करने जाएंगे तो वहाँ से आपको ये वाला स्लिप काट को, यहाँ से आपको जो ये स्लिप जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ से स्लिप आपको काट कर आपको यहाँ पर सचिव का सिग्नेचर मोहर करके आपको दे दिया जाएगा एक रिसीविंग के तौर पर। साथ में यहाँ पर आपको सभी डिटेल दिया गया है वो कहाँ पर जमा करना है, तो जमा करने के लिए यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर कार्यालय का दिया गया है, साथ में डेट दिया गया है, और यहाँ पर वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप जिस भी जिले का वैकेंसी अगर देखना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।